हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबको फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभी शाम को मैं बना रही हूँ ब्लॉग और सूरज डूब चुका है, तो लाल दिखाई दे रहा है दोस्तों। और सूरज डूबते के साथ ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है आज, तो पता नहीं क्यों ऐसे ठंड लग रहा है हमारे तरफ दोस्तों। कल परसों दो तीन दिन से इसी तरह से ठंड चाहे बढ़ गया है, तो मैं सूरज डूबते के साथ ही स्वेटर पहन ली हो और जा रही हूँ अभी काम वगैरह सब करने के लिए। और उधर बर्तन को भिंगाई हूँ मैं अभी धोने के लिए, तो अभी उसको धोना है फिलहाल। इसके बाद खाना उना बनाना है, और तो चलिए जाती हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। तो मैं खाना बना ली हूँ, ये रहा। और अभी इधर चढ़ा दी हूँ चिमटी साग को उबालने के लिए, तो जहाँ से मैं उस दिन तोड़ के लाई थी वहीं से इसको भी तोड़ के लाई हूँ। तभी चढ़ा दी हूँ इसको उबलने के लिए, और उस दिन दूसरा तरीका से मैं बनाई थी, आज दूसरा तरीके से बनाऊंगी। उबलने के लिए ढक देंगे इसको, बंद कर देंगे। तो दोस्त चेक करके देखते हैं, अच्छी तरह से उबल चुका है और पक भी गया है। तो डाल देंगे अभी नमक, नमक और दोस्तों डाल देंगे एक टमाटर, इसको धो लेंगे थोड़ा। तो दोस्तों इस तरह से छोटा छोटा पीस करके मैं काटूंगी, क्योंकि जल्दी पक जाएगा इसे छोटा छोटा काट करके डालने में। तो बिल्कुल छोटा छोटा करके मैं काट रही हूँ टमाटर को, जल्दी से पक जाएगा। टमाटर डाल दी हो थोड़ा देर इसको पकने के लिए, ढक देंगे। और तो दोस्तों अच्छी तरह से पक गया है, देखिए। अब इसको बचा है तड़का लगा, तो उतार देती हूँ मैं तड़का लगाने के लिए।
इसी को चढ़ा दे। और इधर लहसुन प्याज, प्याज में लहसुन और मिर्चा काट के रेडी कर दिए। सब काटा थे सब। तो दोस्तों अच्छी तरह से बन गया। देखिए हमारा चिमटी साग का रेसिपी मस्त बना है। देखिए मस्त लगता है इस तरीके से बनाने में। तो चलिए बन गया, अब उतार देते हैं और सीधे खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खाना खा करके सीधे जाएंगे बिस्तर पे सोने के लिए।